गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वाह सिंपल, लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो कि बिहार पुलिस के लिए है, जिनका दौर है, जो कि रिटेन एग्जामिनेशन निकाल चुके हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो ये जान लें कि वो अगर दौड़ में जाना चाहते हैं और वो दौड़ में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और नए मेंबर्स से गुजारिश है मेरा कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बगल में एक बेल आइकन होगा जिसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग बिहार पुलिस के रिटर्न में जाना चाहते हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग अपना कुछ जरूरियात जैसे सामान हैं वो उस दिन ले करके जाएं, जो भी डेट हो आपका। मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 6 मिनट कुछ सेकेंड लगते हैं तो मैं अपनी दौड़ को कैसे रेगुलर करूं, कंटिन्यू करूं। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि दौड़ के आप जो जिस तारीख को जो डेट को आपका दौड़ होगा उस डेट में आप अपना सारा सामान घर से लेकर जाएं, जो भी उससे रिलेटेड कागज है वो सब लेकर के जाएं और खाने पीने की कुछ वगैरह चीजें भी आप लेकर जाएं। जाने से 2 दिन पहले आप दौड़ना बंद कर दें। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसे आप अपने जहन में दिमाग में घुसा लीजिए कि आपको 2 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले दौड़ एकदम बंद कर देना है, यहाँ तक कि एकदम रिलैक्स मूड में हो जाना है, किसी प्रकार का दबाव टेंशन माइंड में नहीं रखना है। खाने पीने पर आपको संयम रखना है, बहुत ही पौष्टिक आहार, आयरन और विटामिन्स वगैरह आपको लेना है, जैसे कि मूंग वगैरह का आप सेवन भी कर सकते हैं, चने खाइए और अनार का जूस वगैरह पीजिए और बिहार पुलिस के दौड़ में जाने की आप तैयारी एकदम निश्चय और बिना किसी टेंशन, बिना किसी रुकावट के कर लीजिए, ठीक है। वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको करना यह है कि आप अपने सारे कागज जो लेकर जाएंगे तो खाने पीने का साथ सामान भी कुछ लेके जाइएगा। और दौड़ने से जैसे आप ग्राउंड में जब जाते हैं तो आपको 6 राउंड का मिलता है या 5 राउंड का मिलता है, तो उस दौड़ने से आपको जूता का इस्तेमाल जरूर करना है। आप जूते का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ग्राउंड वगैरह बहुत तरह का ग्राउंड में दिक्कत होता है, ठीक है। जूते का इस्तेमाल आपको करना है और दौड़ते वक्त ये करना है कि दौड़ने से पहले थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले बताया था कि थोड़ा सा 1-2 ठेपी पानी पी लें और अपने बाथरूम वगैरह आप हो लें। इसको सिस्टम को आप उस रात से ही 1-2 दिन पहले से ही सिस्टम को सुधार लीजिएगा ताकि आपको उस दिन दिक्कत ना पड़े। कभी कभी जो होता है कि बाथरूम वगैरह जो है अपने टाइम पर नहीं आता, एक डेली की दिनचर्या के हिसाब से बना सिस्टम जो है बना रहता है। आज हमारा बाथरूम 8-9 बजे का आदत है तो एवरीडे हमारा वही एक सेकुलर जो है नियम से चलता रहता है, तो उसको आप 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले से ही सुधार लीजिए और एक सिस्टम के साथ 5 बजे के साथ 4 बजे अपना बाथरूम वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना यह है, ग्राउंड में जाने के बाद अपने तरफ से एकदम हर तरफ से एकदम फ्री हो, फ्रेश हो और दौड़ने के पश्चात आप जूता वगैरह पहन लें, हाफ पैड का इस्तेमाल करें, अंदर जो है आपको अंडरवियर पहनना है जो कि आपको एकदम एडजस्टेबल हो, कहीं से कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको आगे इसमें दौड़ने में परेशानी भी ना हो और आगे की कई बीमारियों से आप बच भी सकते हैं। तो इस चीज का खास करके ख्याल रखेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। और दौड़ने से पूर्व जैसे ही आप ग्राउंड में जाते हैं तो वहां अपने आप को एकदम एक्टिव रूप में रखना है, ये नहीं सोचना है कि अब वो कब बोलेगा बंदा रेडी गो उसके बाद दौड़ना, एकदम एक्टिव रूप में रखना है। और यहाँ 5 किलोमीटर वाला दौड़ नहीं है, जो कि आपको पहले स्लो, बीच में मीडियम, लास्ट में आपको फास्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। आपको शुरू से अंत तक एकदम अपने पूरे प्रयास से दौड़ना है, पूरे हद से दौड़ना है और स्टेप को जो है काफी लंबी मात्रा में करना है। स्टेप जो है आप स्लो ना करें, छोटा ना करें, स्टेप को लंबा करें, वो आपको आगे के टारगेट के लिए फायदा करेगा। स्टेप जो है आप कभी भी लंबा लें, ठीक है। और शुरू से ही आखिरी तक एकदम पूरे जान जीव लगा करके दौड़े, उतना भी जान जीव लगा करके नहीं दौड़ना है कि आपको पहले ही थकावट आ जाए। हाँ, कुछ पल अपना एनर्जी जो है बचाए रखना है, जो आपको लास्ट के 200 से 300 मीटर जब तकरीबन आपको बचता है तो उस टाइम आपको पूरा जान जीव लगा देना है। दौड़ने से पश्चात आपको कुछ इस तरह का माइंड में ख्याल आएगा जैसे कि जैसे ही आप ग्राउंड में दौड़ेंगे, आपके दौड़ने से पूर्व पहले ही आपको 4-5 बंदे जो है आपके आगे, कभी कभी होता है ऐसे 10 बंदे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसको देखना नहीं है, आपको अपने मन में एक निश्चय ये सोच लेना है कि अपने एनर्जी और आपको जो है
एक्टिविटी पूरा हौसला रहना चाहिए आपके मन में कि मुझे ये करना है, और अपने जीवन के थोड़ा फ्लैश बैक के बारे में आप जाएंगे, वहाँ के बारे में आप सोचेंगे, और सोचते हुए ये सोचेंगे कि ये जो पल है, ये पल जो 3 से 4 मिनट का है, ये मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल है। इस पल को अगर मैं खो देता हूँ, गवा देता हूँ, या थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो आगे के लिए हमको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बहुत ही जबरदस्त मौका मिला है आप लोगों के लिए, और जो कि आप क्वालिफाई एक कर पाए हो, आगे एग्जामिनेशन में इसको आप क्वालिफाई कर लिए हो, तो ये हर किसी बंदे का मौका नहीं मिला। आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि आप तकरीबन 10 से 11 लाख लोगों में 50,000 में गिने चुने गए हो। आप ये चीज को आप भी अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि मैं उस लोगों में से हूँ जो कुछ हद तक अपने टारगेट को पार कर चुके हैं। हाँ, आपको स्टेप 2-3 बच रहे हैं, ठीक है, तो वही आपको क्वालिफाई करना है। फिजिकल निकालने के बाद कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेडिकल में आप एक बार पहले श्योर हो लीजिएगा, अपने आसपास के अच्छे मेडिकल से जांच वगैरह करा लीजिएगा। बहुत सारे आजकल के डेट में शिकायत आ रही है, बवासीर वगैरह का भी, पैल्स वगैरह का जो हो जा रहे हैं, तो उसको आप एक बार देखवा लीजिएगा। इसमें भी काफी दिक्कतें थोड़ा सा आती है, ये फिजिकल निकालने के बाद। फिजिकल निकालने के लिए आपको एकदम अपने से स्वयं और स्वच्छ रहना है, और बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहना है। टेंशन फ्री रहोगे, आपको दौड़ने में किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। आप बिंदास दौड़िए, एकदम बेफिक्र दौड़िए, बेधड़क दौड़िए, और अपने लक्ष्य को टारगेट में रखे रहिए कि मुझे बस ये निकालना है। क्योंकि आप वो बंदे हो, आप वो शख्स हो, आप वो इंसान हो जो लोग 11 लाख को पीछे छोड़ करके आगे आप आज निकल चुके हो। तो अब और भी आगे आपको निकलना है, ये चीज को अपने आप माइंड में ध्यान में रखे रहिएगा, और अपने टारगेट को पूरा कर लीजिएगा तो जरूर आप जो पा लीजिएगा। और अपने मन में निराशा जरा सा भी नहीं रखें। हाँ, और दौड़ने के पश्चात अगर आपको थोड़ा सा पेन का महसूस होता है, जैसे दाएं तरफ हार्ट पे या बाएं तरफ चेस्ट में, तो दाएं तरफ जब चेस्ट में आपको दर्द जैसा महसूस होता है, तो दाएं में आपको क्या करना है, जब दाएं में दर्द का महसूस हो, तो बाएं वाले अंगूठे को ऐसे दबा लेना है, ठीक है, और जब दाहिने में हो तो बाएं वाले को, बाएं में हो तो दाहिने वाले अंगूठे को दबा लेना है दौड़ने के पश्चात। दौड़ने के पश्चात आपको ये काम करना है, आपको दर्द में काफी रिलीफ महसूस होगा, पेन में काफी रिलीफ महसूस होगा। उसके बाद दौड़ने के बाद पानी, जैसे बहुत प्यास लगेगा आपको तो पानी वगैरह पीना नहीं, वैसे गर्मी का मौसम है, पानी वगैरह का ज्यादा सेवन नहीं कीजिएगा। हाथ में दौड़ने के 1-2 घंटे के बाद आप पानी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन दौड़ने से पहले आप फल वगैरह का जरूर इस्तेमाल कर ले। रात में खाना अच्छा से खाएं, सुबह जो है बार बाथरूम एकदम फ्रेश होके क्लियर हो ले, ताकि आपको किसी भी तरह का दौड़ने के पश्चात दिक्कत का एहसास न हो। कभी कभी ऐसा होता है कि दौड़ने के पश्चात ऐसा लगता है जैसे बार बार एक डर का एहसास हो जाता है, बार बार ये लगता है कि बाथरूम जैसा लग रहा है, पेशाब जैसा लग रहा है कि मुझे जाना है, या ऐसा हो सकता है कि दौड़ने के पश्चात लग जाए, डर जैसा महसूस होता है, अब अंदर से थोड़ा कंपन जैसा महसूस होता है, अंदर से थोड़ा फील जो है वीकनेस टाइप का महसूस होता है कि हो सकता है दौड़ने के दौरान फिर पेशाब लग जाए ऐसा। तो ऐसा नहीं, अपने आप से सोचना है कि बस कुछ नहीं, कर लिया मैंने, कर लिया एक बार बस खलास, और उससे आगे का आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, पानी ज्यादा बात पिए, पानी ताकि ज्यादा बात पानी पी लोगे तो आपको दौड़ने के पश्चात दर्द उठ सकता है पेट में, और ज्यादा खाना पीना खाए रहोगे आप तो भी आपको दर्द उठ सकता है। इसलिए आप फल वगैरह का ज्यादा दिन में इस्तेमाल करें जब दब का दौड़ हो, रात में आप खा लीजिए, भर पेट खा लीजिए, उससे कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब लक्ष्य को टारगेट कीजिएगा, उसके बाद कुछ दिन कुछ पल आपको रिलीफ मिलेगा, उसके बाद आपको जब आपसे कराया जाएगा गोला फेंक कराया जाएगा, तो गोला फेंक के लिए एक उसमें भी आप निश्चय रखना, और सामने वाले को किसी दुश्मन की तरह समझ करके ऐसा समझना जैसे कोई मेरा सामने दुश्मन है और उसे मारना है, यहाँ से वहां तक मेरा टारगेट है। तो वो जब आप सोचोगे अपनी बीती बात पल के बारे में सोचोगे, तो आप ये टारगेट को भी कर जाओगे। फांगते समय भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए कि सामने वाला जो है उससे हमको हाई करना है, और नजदीक नहीं देखना है, दूर देखना है। जैसे आप 1 किलोमीटर 500 मीटर में देखते हो, तो आप 500 मीटर नहीं 1000 मीटर देखना है, और उससे ऊपर सोचना है। तो उससे जाहिर बात है कि आप उससे ऊपर सोचोगे तो पर आके अटकोगे, और आप 4 फीट जो है आराम से क्वालिफाई कर लोगे, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप मेडिकल की तैयारी जो है, मेडिकल की तैयारी जैसे ही आप वहां से कंप्लीट करोगे, तो मेडिकल की तैयारी के लिए आपको एक बार खुद से आप किसी अच्छे डॉक्टर से मेडिकल से एक बार अपना मेडिकल चेकअप करवा ले, जिसका खर्च तकरीबन 2 से 3 हजार 4 हजार इससे ज्यादा नहीं आएगा, जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत ही होगा बेहतर, ताकि आपके जो शरीर में जो भी आपके जिस्म में किसी प्रकार की कमी है, किसी प्रकार की अगर दिक्कत है, तो उसे आप दवा खा करके आराम से आसानी से और समय से पहले पूरा कर सकते हो, और ठीक ठीक रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए भी, और
आपके परिवार के लिए भी, क्योंकि जो नौकरी है बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में। अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी बहुत ही मुश्किल है, जैसे सरकारी नौकरी मिलना, लोग कहते हैं कि इस जन्म में काफी इतना प्रॉब्लम हो गया है जैसे मत मानो। ऐसे आप ऐसे कैरियर भी लेके चलो तो इसको बहुत ही अच्छा है ये सरकारी नौकरी, क्योंकि आप विदेश भी जाते हो, गल्फ जाते हो या बिजनेस करते हो। तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि सरकारी नौकरी के कंपेयर में बहुत अलग तरह का एक फील होता है। जब आप इसको आप पालोगे ना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं वहां रहता तो अच्छा होता, वहां रहता तो अच्छा होता, या विदेश जाता, या इससे भी और पैसा कमाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने दिमाग का भ्रम है, दिमाग के भ्रम को निकाल दीजिए और ये जो मिला है आपको चांस, इसे याद करिए। जो लोग आपसे भी तड़प रहे हैं, जो आप क्वालिफाई करके यहां से आगे पार कर चुके हो, 11 लाख को टारगेट करके आपने 50,000 में अपना नाम दर्ज कराया है, तो आप सोचिए कि उन 10 लाख 50 हजार लोगों पर क्या बीत रही होगी। और उसको आपने चैलेंज किया है, तो यहां भी आपको चैलेंज करना है। बस वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो इसके लिए माफी चाहता हूं, और वीडियो पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, और घंटे वाले बटन को आप क्लिक करना ना भूले। इससे क्या होगा, जो भी मैं फ्यूचर में नोटिफिकेशन वीडियो डालूंगा तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो कि होगा बिल्कुल फ्री। और भी इस तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं, टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एल अपडेट से रिलेटेड देखना चाहते हो, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियोज और फनी वीडियोज, एल अपडेट मैं लाता रहता हूँ आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिहार पुलिस वालों के लिए वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए और अपना दौड़ का तैयारी कीजिए, दौड़ निकालिए। हाँ, 2 दिन 3 दिन पहले आप अपना दौड़ को बंद कर दीजिएगा। मैंने ये चीज को सिस्टम से देखा है, जब भी आप जैसे दौड़ने जाते हो ना, तो दौड़ने जाने से जब 2 3 दिन आप रिलैक्स एकदम छोड़ दोगे दौड़ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाएगी और वो डबल दोगुना का काम करेगी उस दिन। और आपको जब आप खुद से ही एक दिन देखना प्रयास करके कि जैसे 2 दिन 2 दिन दौड़ने से दौड़ते हो, कंटिन्यू दौड़ते हो आप, और 2 दिन आप रोक करके फिर दौड़ो, तो आपको उस दिन जो है ज्यादा दौड़ होगा, ज्यादा आप दौड़ोगे, ज्यादा आपके अंदर एनर्जी रहेगी। तो ये चीज आप अपनाना, आपके लिए लाभदायक होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।